हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पहले तो मना कि पापा की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे ना ज्यादा गले में हो रहा है दर्द, मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा था, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। तो आप थोड़ा ठीक है तो आज हमने सोचा आज वीडियो बनाते हैं। आदि और तमन्ना बोल रहे हैं आज हमें ब्रेड पकौड़े खाने हैं। ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है। आज क्या कर रहे हैं? मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो मैं आदि और तमन्ना के लिए ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ और अपने लिए दलिया बना रही हूँ। तो चलो बनाते हैं। तो चलो तो आज ब्रेड पकौड़े बनाते हैं और मम्मी अपने लिए दलिया बनाएगी। और हम ना आज बहुत लेट उठे, हम ना संडे को मतलब आराम से उठते हैं। और मम्मी ने कहा था कि मम्मी ने हमें जल्दी सुला दिया था, मम्मी ने कहा था कि पार्क जाएंगे, पर मम्मी खुद ही नहीं उठी। मम्मी के ना गले में दर्द था। पापा तो लग गए अब काम पे, और पापा की ना एक दिन की छुट्टी नहीं होती, बस संडे को पापा घर से करते हैं। मम्मी ने अपने लिए दलिया भिगाने रख रखी है और ये मम्मी आलू पीस रही है। मम्मी ने आलू उबाल रखे थे तो आदि ने छील दिए। हाँ, देखो बड़ा शौक है आलू छीलने का। तमन्ना, मैं जीत गया। मम्मी ने ये आलू ना ब्रेड पकौड़े के अंदर डालेगी, और वैसे भी बनते हैं पर हमें ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वरना वो खाली ब्रेड रख दिया। मम्मी ने कस्तूरी मेथी, तो मम्मी ने डाल दिया उसके ऊपर से धनिया। वैसे इसमें प्याज का तड़का भी लगा सकते हो, जीरे का, पर मैं नहीं लगा रही, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ ब्रेड के अंदर, है ना आदि? नहीं तो आदि को भूख लग जाएगी। मुझे बनाना आ गया ब्रेड पकौड़े। क्या? मुझे बनाना आ गया ब्रेड। तेरे को तो सब कुछ बनाना आ जाता है देख के। मैं तैयारी कर रही है और मम्मी ने बेसन में नमक मिर्च डाल दिया है। चलो तो ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। और मम्मी ने ना 25 वाली ब्रेड बोली थी, पर 25 वाली थी नहीं, तो मैं 20 वाली ले आई। ये बिल्कुल छोटी रहती है 20 वाली। 10 वाली से छोटी रहती है। ये दो ब्रेड पकौड़े तो बन गए। क्या कर रहा है? राइटिंग बना रहा है। दिखाइयो। बना बना। इसके ना यार राइटिंग कंपटीशन है, तो उसके लिए वो राइटिंग बना रहा है ना। ये देखो, ये देखो अपने लिए आदि ने क्या खरीदा, इरेजर भी, शॉर्पनर भी। तो ये जो मम्मी अब बना रही है ना, ये मम्मी स्कूल के लिए बनाते हैं। स्कूल में ना सही लगता है छोटे छोटे खाने में। तो इसके ज्यादा छोटे हो गए। हाँ, क्योंकि ये छोटे ब्रेड है ना। साथ साथ में मम्मी दलिया भी बना रही है और ब्रेड पकौड़े भी बना रही है। तो मम्मी ने इतने बना लिए हैं। मेरे ना एग्ज़ाम्स के और आदि के एग्ज़ाम्स के नंबर आ गए हैं, और मेरे तो आए थे संस्कृत में 20 में से 19, और कंप्यूटर में 20 में से 15, इंग्लिश में 20 में से 20, साइंस में 20 में से 20, और एसएसटी में 20 में से 20। और आदि के मतलब मैम ने इसको कहा कि मैम ने कि पढ़ा कर और रीडिंग किया कर रोज, करा कर ठीक है, और रीडिंग किया कर। और इसके ना भी मार्क्स वैसे ही आ रखे हैं, मतलब मैम ने कहा कि अभी खैर नया नया है, पढ़ा कर ठीक है। कैसे नंबर आए तेरे? किसी को कुछ नहीं पता।
मम्मी ने बना दिए ब्रेड पकौड़े और अब मम्मी फिर चटनी बनाएगी और फिर हम नाश्ता करेंगे। इनके लिए थोड़ा सा बेसन कम हो गया। अब मम्मी बना रही है चटनी। ये मेक्सी भी ना अजीब सी आवाज कर रही है आज, मेरे को लग रहा है इसकी भी तबीयत खराब हो रही है। पता नहीं क्यों कर रही है। तो चलो तो अब नाश्ता करते हैं। अब पहले ना हम अंदर वाले कमरे में खाते थे, पर अब हम बाहर वाले कमरे में खाते हैं क्योंकि ना अंदर वाले कमरे में गर्मी होती है और बाहर वाले कमरे में सही रहता है और आजकल मौसम भी सही हो रखा है। चटनी भी बन गई। तो चलो तो नाश्ता करते हैं, आप लोग भी कीजिए। और आज हम ना चटनी के साथ ब्रेड पकौड़े खाएंगे। और बहुत दिनों से हम वीडियो भी नहीं डाल पाए क्योंकि पहले मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद एक तक की तबीयत खराब हो गई। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि आजकल मौसम वैसे ही चेंज हो रहा है, कभी ठंड हो रही है, कभी चाहे कभी गर्मी हो रही है, तो इस वजह से ना तबीयत भी खराब हो रही है ज्यादा। जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। आदि कह रहा है मेरे को भूख लगी। खा। मैंने सबके लिए ही बना दी दलिया क्योंकि आदि ने बोला मैं दलिया भी खाऊंगा। कैसे हो रहे? अच्छे। मैं तो मम्मी को बोलता हूँ रोज ब्रेड पकौड़े बनाया कर, तब तो मजा आ जाता। तो आदि को ना स्कूल के लिए भी ब्रेड पकौड़े ही चाहिए, पर मैं नहीं बनाती डेली, कभी कभी बनाती हूँ। मम्मी ना डेली नहीं बनाती क्योंकि हमारे स्कूल में ना अलाउड भी नहीं है डेली। अब नाश्ता तो कर लिया और अब बर्तन वर्तन मानते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। और दिन के लिए मैंने दाल रख दी है, आज मैं गांव की दाल बना रही हूँ। तो ये दाल भिगाने रख दी थी मैंने गांव की, इसमें ना बहुत सारी दाल है, इसमें रयांस है, भट है, लोबिया है, बहुत सारी है। तो आज दिन में बनाएंगे, देखना इसे कौन देखता है टीवी। इस दाल को पीसेगी और मेरे को ना ये दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को और आदि को, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा दाल डालती है मम्मी, इसमें तरी कम होती है, दाल ही कुछ ज्यादा हो जाती है, अजीब लगता है वो, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरी नेल पेंट खराब हो गई। तमन्ना आदि ना ये दाल बिल्कुल भी नहीं खाते, अब मैं थोड़ा सा भी रखू भी ना किसी दाल के साथ तो इनको ना पता चल जाता है कि दाल रखी हुई है। इसके छिलके निकालने हैं पूरे। पीस के उसके बाद डब्बे में रख दूंगी और थोड़ा थोड़ा जैसे भी कोई दाल बनाऊंगी ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा रखूंगी, तब आदि तमन्ना को पता नहीं चलेगा, नहीं तो ये खाते ही नहीं है दाल। पर अब हमें पता चल गया, अब हम ध्यान से देखेंगे। देख के तो अच्छी होती है क्योंकि बाहर के पूरे छिलके निकल जाते हैं इसके। तो अब मैंने दाल भी पीस लिया, इसको गाँव में हम रेखना बोलते हैं। मैंने पूरी दाल रेख ली और अब मैं दाल चावल बनाऊंगी और उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूंगी। वीडियो ना मैं आज ही डालूंगी क्योंकि बहुत टाइम से हमने वीडियो नहीं डाले और तमन्ना अपना स्कूल का काम कर रही है और आज ही तो बाहर चला गया टीवी देखने के लिए। और ना पापा ने मम्मी को कहा था कि जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब बनाना ब्लॉग, इसलिए मम्मी ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मैं रोज सोचती थी कि ब्लॉग बनाऊंगी पर मेरे से होता ही नहीं था क्योंकि गले में ना बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। आप ठीक है पहले से तो इसलिए मम्मी वीडियो डाल रही है और हमारे वीडियो देखते रहना। तो चलो तो फिर मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।